हेलो एवरीवन। हाँ जी सर, तो हमने लास्ट क्लास में सर बस इतना सा लिया था, लास्ट वीडियो में सिर्फ इतना जरा सा हमने कुछ डिस्कस किया था। तो आइए सर आगे करते हैं, इसके आगे करते हैं। तो सर हाँ, मैं सोच रहा हूँ पहले हम आज इसके लिए बारे में लिखते हैं, थोड़ा सा 2-3 लाइन लिखते हैं, ठीक है सर? ओके सर, लिखिए। एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, पर्संस रिस्पॉन्सिबल फॉर, पर्संस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट्स, पर्संस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू, आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। सर क्या मतलब है? एज पर इनकम टैक्स एक्ट, पर्संस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। मतलब इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है जब जो पर्सन पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको उस अमाउंट पे TDS काटना होगा और गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराना होगा, ठीक है सर? तो सर ये हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल लिखा, ये क्या हुआ था कि हमारे पास दो पार्टीज हैं, ए एंड बी। ए ने बी को सर्टेन सर्विसेज रेंडर्ड की हैं। अब बात आई सर, सर्टेन सर्विसेज क्या हैं? ये आप बार बार सर्टेन सर्विसेज कहते हो, है क्या ये? सर सर्टेन सर्विसेज क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज डिस्क्राइब की हैं कि अगर आप इन सर्विसेज में डील करोगे तो आपको TDS काटना है, ठीक है सर? तो अब ये सर्टेन सर्विसेज हैं क्या सर? देखिए, अगर कोई आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, और रेंटिंग का केस है, इंटरेस्ट का केस है, तो इन कुछ केसेस और भी हैं, बहुत सारे केसेस हैं सर, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। तो सर इन केसेस में हमको क्या करना है? हमको TDS डिडक्ट करना है, ठीक है सर? ठीक है सर, बस सर आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर। अब हम छोटे छोटे वीडियोस में सर पूरा TDS का हमें कंसेप्ट करना है। अभी शुरू की 2 वीडियो सिर्फ हमने थोड़ी थोड़ी देर के लिए बनाई हैं, फिर आगे से हम पूरा कंसेप्ट लेकर चलेंगे सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।